इस दुनिया में कई सारे जीव मौजूद हैं। कुछ के बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ तो दिखने में इतने ज्यादा वियर्ड हैं कि हमें यकीन ही नहीं होता कि हमने क्या देख लिया। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही अनबिलीवेबल एनिमल्स के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से ज्यादातर जीव तो ऐसे होंगे जिसे आप आज पहली बार देखोगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, जिसका टाइटल है 16 मोस्ट मिस्टीरियस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुरू करते हैं। नंबर 16, स्पेनिश डांसर न्यूरिब्रांच। अगर आपको सी स्लग के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आपको पता होगा कि ये कई अलग अलग कलर्स में आते हैं, लेकिन ये जो सी स्लग है इसकी खास बात है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सी स्लग है। ये एक इंसानी हाथ जितना बड़ा होता है और पानी में कई बार ये जब बैठा होता है तो किसी इंसान की जीभ की तरह लगता है। ये स्पेन में ज्यादातर पाया जाता है और इसके अजीब मूवमेंट की वजह से इसे डांसर कहा जाता है, क्योंकि जब ये तैर रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे ये डांस कर रहा हो। ये पानी में मिलने वाले बहुत छोटे जीव जंतुओं को खाता है। ये अच्छे से कैमोफ्लेज भी करता है, इसलिए इसे ढूंढना मुश्किल है। नंबर 15, घोस्ट शार्क। ये शार्क पानी की काफी गहराई में रहती है, जिसके चलते कई लोगों को ये पता भी नहीं था कि ये शार्क इस दुनिया में मौजूद भी है। और जब पहली बार ये मिली थी तो लोगों को ये भूत जैसी लगी थी, क्योंकि इसकी आंखें काफी ज्यादा डरावनी है। इसे भले ही शार्क कहा जाता है, लेकिन ये शार्क की प्रजाति की नहीं है, बस उनसे थोड़ी मिलती जुलती है। इस शार्क की एक और खास बात है कि इसकी एक ही साइड में फिन होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सारी मछलियों के दोनों साइड फिन होते हैं, लेकिन इसके एक ही साइड होता है। वैसे ये क्यों होता है यह अब तक साइंटिस्ट को नहीं पता चला है, क्योंकि ये पानी की बहुत ज्यादा गहराई में रहती है और इसलिए इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई। नंबर 14, एडवॉल्फ। इस जानवर को देखकर लगता है कि जैसे ये जानवर किसी दो प्रजाति के बीच का मिक्स ब्रीड होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दूर से देखने पर ये किसी हाइना की तरह लगता है, लेकिन इसके पीछे का हिस्सा बिल्कुल ही अलग दिखता है। इस प्रजाति के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ज्यादा कम है। कुछ लोगों का मानना है कि ये विलुप्त होने के कगार पर है। वैसे इन जानवरों को कई लोग घर पर भी पालते हैं, क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, क्योंकि बाकी जंगली जानवर शिकार करते हैं, वहीं पर ये कीड़ों को खाते हैं। वैसे इनकी साइज को देखकर कोई भी बता नहीं पाएगा कि कीड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं। नंबर 13, हैगफिश। इस अजीब से जीव को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये रियल जीव है, क्योंकि ये किसी रबर के खिलौने जैसा लगता है, लेकिन असलियत में ये रियल है। दुनिया भर में जितने भी जानवर हैं, वो अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ अपने बड़े शरीर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अपनी रफ्तार का, लेकिन इस जीव का बचाव का तरीका बड़ा अजीब है। जब कोई जानवर इसके ऊपर हमला करता है तो ये स्लाइम जैसा एक सब्सटेंस बना देती है। ये स्लाइम बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है और ये अपने ओरिजिनल साइज से 10 गुना ज्यादा लंबा खींच सकता है। हम बचपन में जिस स्लाइम से खेलते थे, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ये उससे कई गुना ज्यादा घिनौना और चिपचिपा है। नंबर 12, व्हाइट सर्वल। ये जानवर देखने में बिल्कुल वैसा है जैसे कि इसे सीधा किसी किस्से कहानियों की दुनिया से उठाकर लेकर आए हों। ये बिल्कुल ही किसी माइथोलॉजिकल जीव जैसा लगता है, लेकिन ये रियल लाइफ में जिंदा है। आमतौर पर जो एनिमल व्हाइट कलर का होता है वो बर्फीले इलाकों में रहता है, लेकिन ये जानवर बिना बर्फीले इलाकों में रहे भी व्हाइट स्किन का मालिक है। ये जानवर बहुत ही कम बचे हैं और अब तक इंसानों को ऐसे बस दो ही जानवर मिले हैं, जिसके चलते इन्हें पिंजरे में रखा गया है ताकि कोई जानवर इनका शिकार न करे। ये जीव एंडेंजर्ड है और वैज्ञानिकों के पास जो दो व्हाइट सर्वल है उनका नाम है टोंगा और फाराओ। नंबर 11, गुलपेयर ईल। कुदरत कई बार ऐसे जीव बनाती है कि वैज्ञानिक भी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि आखिर ये है क्या। गुलपेयर ईल भी वैसे ही जानवरों में से एक है। ये जीव पानी में तैरता है तब ऐसा लगता है कि बस कोई मुंह तैर रहा हो, क्योंकि इसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा मुंह ही तो है, बाकी शरीर का हिस्सा बहुत पतला पूंछ जैसा है। ये जीव जब तैरता है तो अपने मुंह खोलकर काफी ज्यादा पानी अंदर ले लेता है और फिर उसमें से खाने के पदार्थ को और पानी को अलग कर देता है। ये पूरे दिन ऐसे ही करता रहता है, जिसके चलते ये काफी ज्यादा खाना जमा कर लेता है। कई बार इन ईल्स को खाना अपने मुंह में ही जमा करते हुए देखा गया है। नंबर 10, एक्सक्यूजिट क्राउन जेलीफिश। दोस्तों, आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस जेलीफिश के पास ना ही दिल होता है, ना ही ब्रेन होता है, ना ही फिन होते हैं, लेकिन फिर भी ये मछली इमोर्टल है। अगर पूरे तरीके से इमोर्टल नहीं कहें तो ये कम से कम 1000 साल तो जीती ही है, अगर इसे कोई जानवर शिकार न बना ले या फिर अगर हम इंसान इन्हें न पकड़ लें।
फिर ये जीव कई हजारों साल जीते हैं। वैसे ज्यादातर जीव इनका शिकार नहीं करते हैं और इनसे दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जहरीले जीव हैं। नंबर 9, सरकास्टिक फ्रिंज हेड। ये जीव अपने नाम की ही तरह सरकास्टिक तो नहीं है, लेकिन ये काफी कमाल का जीव है। इस मछली का मुंह बहुत ही ज्यादा बड़ा खुलता है और इसके मुंह के अंदर कई सारे कांटे होते हैं। ये बिल्कुल ही एक बेयर ट्रैप जैसा है। ये मछली अपने इलाकों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और अगर कोई भी इसके इलाके में आने की कोशिश करता है तो इसके ऊपर हमला कर देती है। ये मछली पानी की बहुत ही ज्यादा निडर मछली है और किसी भी दूसरी मछली पर हमला करने से डरती नहीं है, भले ही वो मछली इसका शिकारी क्यों ना कर ले। नंबर 8, कोन हेड मेंटिस। इस मेंटिस का शरीर और आकार काफी ज्यादा कमाल का है और जो भी इसे देखेगा वो इसे देखता ही रह जाएगा। लेकिन पहली बात यह है कि आप इसे ढूंढोगे कैसे, क्योंकि ये कैमोफ्लेज करने में किंग है। ये झाड़ियों में इस तरीके से बैठ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये उस झाड़ी का हिस्सा नहीं है। साथ में कई बार ये जीव एक पत्तों की तरह हिलता भी है ताकि ये और भी ज्यादा भ्रम पैदा कर सके कि ये एक पत्ता है। नंबर 7, अफ्रीकन जायंट मिलीपीड। मिलीपीड एक ऐसा कीड़ा है जो दिखने में बहुत ज्यादा घिनौना है और इसे देखकर हमें उसे छूने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार जब आप जायंट मिलीपीड को देख लोगे तो आपकी रातों की नींद चली जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है और किसी डरावनी मूवी का हिस्सा लगता है। एक बार जो भी इस जीव को देख लेगा इसके पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा और जाना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इस जीव के शरीर में से एक केमिकल निकलता है और अगर आप उस केमिकल को छू लेते हो तो आपको इतनी ज्यादा खुजली होने लगेगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नंबर 6, ज़ोर्स। इस अजीब जानवर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे किसी प्रिंटर में बनाया गया हो, लेकिन आधे में ही प्रिंट कलर खत्म हो गई हो। ये जानवर एक हॉर्स और एक ज़ेब्रा का मिक्स ब्रीड है और इसी वजह से इसकी कोई फिक्स हाइट नहीं है। जैसे कि हर एक जीव की एक एवरेज हाइट होती है, लेकिन मिक्स ब्रीड होने की वजह से कई बार इसकी हाइट घोड़े जितनी होती है और कई बार ये एक ज़ेब्रा से भी ज्यादा छोटा हो जाता है। आमतौर पर इसकी हाइट छोटी ही होती है, पर लोगों को इसका म्यूटेशन काफी ज्यादा क्यूट लगता है। वैसे मेरी मानो तो ये एक एनिमल क्रुएलिटी है और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, व्हाइट ऑर्का। ऑर्का मछली एनिमल किंगडम की सबसे खतरनाक और घातक मछली मानी जाती है। ये मछली शार्क जैसी बड़ी मछली का भी शिकार कर लेती है। इस मछली का कलर आमतौर पर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन वैज्ञानिकों को एक ऐसी ऑर्का मछली मिली है जो पूरी तरह से व्हाइट कलर की है। ये मछली एक बहुत ही यूनिक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से व्हाइट कलर की थी और ये इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि पूरे समंदर में इस मछली को आइसबर्ग के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 4, ग्लास ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस समुद्र की इतनी गहराई में रहता है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, लेकिन फिर भी ऑक्टोपस काफी कमाल के रंग में चमकता है। दरअसल इस ऑक्टोपस के अंदर नियॉन पिगमेंट होता है जो कि उन्हें अंधेरे में भी चमकने में मदद करता है। इतने अंधेरे पानी में ऐसे ऑक्टोपस को देखना बिल्कुल किसी एलियन को देखने जैसा है। वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत एक एलियन शिप जैसा भी लगता है। ये जीव खूबसूरत है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन खूबसूरत होने के साथ ये ट्रांसपेरेंट जीव जहरीला भी है और ये जीव बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ऑक्टोपस जीव आमतौर पर स्मार्ट ही होते हैं। नंबर 3, सन बेयर। भालू का नाम सुनकर हमारे मन में बड़े और खतरनाक जीव की छवि बन जाती है, लेकिन एक बार जरा आप इन क्यूट से सन बेयर को देखो। ये दुनिया के सबसे छोटे भालू हैं, लेकिन इन भालू की जीभ बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। ये जीभ इनको काफी ज्यादा मदद करती है खाना खाने में। इन जीव का नाम सन बेयर इसीलिए है क्योंकि इनके छाती के पास एक बहुत ही सुनहरे रंग का पैच होता है। वैसे जीव भालू की तरह खतरनाक और आक्रामक नहीं होते, ये बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं और लोगों के साथ खेलना भी पसंद करते हैं। नंबर 2, वेनेजुएला पूडल मौत। ये दिखने में कितना ज्यादा क्यूट है ये बात तो आप अपनी आंखों से देख ही सकते होंगे। ये जानवर या फिर कहूं एक कीड़ा खासकर वेनेजुएला में पाया जाता है। इस जीव की ब्लैक और बड़ी बड़ी आंखें होती है और ये पूरा व्हाइट फर से ढका हुआ होता है जो कि इस जीव को काफी ज्यादा क्यूट बनाता है। इस जीव को सबसे ज्यादा क्यूट कीड़ों में से एक माना जाता है। कीड़े आमतौर पर ऐसे होते हैं कि हम उन्हें छूना नहीं चाहते, लेकिन इन कीड़ों को टच करना काफी ज्यादा कमाल का होगा। कई लोग इन कीड़ों को अपने घर पर भी पालते हैं, लेकिन ये कीड़े भी बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए बस वेनेजुएला में ही मिलते हैं। नंबर 1, ओकापी। जैसे कि आपने ज़ोर्स जानवर को देखा, आपको लग रहा होगा ये भी एक हाइब्रिड है, लेकिन असलियत में नहीं। ये जानवर जिराफ और ज़ेब्रा का हाइब्रिड कहलाता है। ये जिराफ से रिलेटेड है और इसका ज़ेब्रा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसका आप कह सकते हैं कि ये छोटा जिराफ है, बस छोटी गर्दन के साथ। इसके पैरों के पास ज़ेब्रा जैसी स्ट्राइप होती है, लेकिन ये ज़ेब्रा के कुछ नहीं लगते। वैसे जानवर अभी विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि इसका गैर कानूनी तौर पर शिकार किया जाता है। सरकार ने इनको बचाने के लिए इन्हें जूलॉजिकल पार्क में रखना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया देखने को मिला होगा।
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।